दोस्तों अब बॉक्स ऑफिस फटने वाली है। जी हाँ, बता दें कि टाइगर 3 द फाइनल मिशन का आगाज हो चुका है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी आ चुका है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं राउंड वर्ल्ड न्यूज। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, दोनों ही बेहतरीन सीरीज साबित हुई और बेहतरीन सीक्वल के साथ साथ काफी अच्छी कलेक्शन भी करी थी, लेकिन दोनों ही फिल्मों को अलग अलग डायरेक्टर ने डायरेक्ट भी किया था। वही दोस्तों, जहां एक फिल्म को जैसे कि एक था टाइगर को डायरेक्ट किया था कबीर खान साहब ने, वहीं इसके दूसरे सीक्वल को डायरेक्ट किया था खुद अली अब्बास जफर ने। जी हां, अब अली अब्बास जफर ने तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, तो दोनों ही फिल्में तो बेहतरीन फिल्म साबित हुई, लेकिन अब ये जो तीसरा सीक्वल आ रहा है उसे सलमान भाई जान और भी बेहतरीन साबित करने के लिए इसका जो डायरेक्शन है वो अब प्रभु देवा के सर के हाथ में देना चाहते हैं। जी हाँ, प्रभु देवा सर के हाथ में देना चाहते हैं सलमान भाई जान टाइगर 3 द फाइनल मिशन का। वैसे दोस्तों, सभी राइट्स को उन्होंने अपने हाथों में ले लिया है और टाइगर 3 द फाइनल मिशन का जो इसका जो नाम है, इसका जो नेमिंग रजिस्ट्रेशन है, वो उन्होंने पहले ही करवा लिया था। वैसे दोस्तों, सोर्सेस के मुताबिक टाइगर 3 द फाइनल मिशन काफी बड़ा सीक्वल होने वाला है और इसके लिए सलमान भाईजान पूरी तैयारी में है और इसीलिए उन्होंने कोई भी मिस्टेक ना करने की ठानी है और फिल्म को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसमें उन्होंने प्रभु देवा सर के हाथों में इस फिल्म का डायरेक्शन देना चाहते हैं। जिसमें प्रभु देवा सर का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो आज तक जितनी भी फिल्में आई हैं, बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन उनकी फिल्में की है। तो ऐसे में सलमान भाई जान जो है इस फिल्म का डायरेक्शन है उन्हें देना चाहते हैं और पूरी तरह से इस फिल्म को एक्शन थ्रिलर के साथ साथ लोगों को काफी तरह से इमोशंस और ड्रामा की तरह से जोड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं, सलमान भाई जान की फिल्म टाइगर 3 द फाइनल मिशन के लिए कौन सा डायरेक्टर बेहतर होगा? इसके लिए कबीर खान साहब बेहतर होंगे या अली अब्बास जफर साहब बेहतर होंगे, या इसका जो डायरेक्शन है प्रभु देवा के हाथों में देना चाहिए? आपका क्या कहना है इस बारे में, नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ बने रहें।